भुलैया की वो हीरोइन तो आपको याद ही होगी जो पूरी फिल्म में बिना कुछ कहे अपनी आंखों से बात करती है, जिसे किरदार तो गूंगी बहरी का मिला है पर अपने हाव भाव से ही वो दर्शकों के दिल पर राज करने में कामयाब हो गई। उस फिल्म में बेहद नफासत और पारंपरिक लड़की के किरदार में दिखी कावेरी झा असल जिंदगी में बेहद बोल्ड और बिंदास है। उनकी हॉट फोटोज से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। खुद अपनी नई नई फोटोज पोस्ट कर कावेरी अपने फैंस को ट्रीट देती रहती हैं। बिहार की कावेरी की ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री हुई मॉडलिंग की दुनिया से। खूबसूरत कटीले नयन नक्श, ऊंची छरहरी काया, मॉडलिंग की दुनिया में कयामत ठाने के लिए एकदम परफेक्ट थी कावेरी। उसके बाद सफर शुरू हुआ फिल्मी दुनिया का। साल 2007 में कावेरी भूल भुलैया पिक्चर में गूंगी बहरी लड़की के किरदार में दिखी। डायलॉग एक भी नहीं था पर कावेरी को फिल्म में नजरअंदाज करना मुश्किल था। इसके बाद कावेरी ने हिंदी फिल्मों में काफी संघर्ष किया पर मनमाफिक किरदार नहीं मिले तो कावेरी ने साउथ इंडियन मूवीज का रुख किया। तेलुगु पिक्चरों में कावेरी को काफी काम मिला। यहाँ उन्होंने नागाराम, ना गर्लफ्रेंड बागारिच, सलीम, ऊहा चित्रम, भाले मोगडू भाले पेलम में काम करने का मौका मिला। बीच बीच में कावेरी हिंदी फिल्मों में भी नजर आती रही। साल 2008 में कावेरी ने हाईजेक फिल्म में काम किया। इसके बाद वो जेल, अ फ्लैट और बम बम बोले में भी दिखाई दी। कावेरी की फिल्मों की लिस्ट तो बेहद लंबी है। ये बात अलग है कि लंबी लिस्ट कभी उन्हें लीड रोल नहीं दिलवा सकी, पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कावेरी ने अपनी एक्टिंग और हुस्न के जलवे दिखाकर अपने फैंस की वाहवाही बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।